अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य और दिव्य मंदिर में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और जिसके बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। इस मौके पर देश और दुनिया के कोने कोने में उत्साह का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा का यह शुभ घड़ी अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए किसी बड़े सपने के पूरा होने जैसी रहे। इस अवसर पर चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी राममय और भक्ति में लीन नजर आए। ऐसे ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां एक 80 वर्ष के व्हील चेयर पर बैठी बुजुर्ग महिला प्रभावती देवी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को टीवी पर देखकर भाव विभोर हो गई। साथ ही राम नाम का जप भी करती नजर आई। बिना कुछ खाए पिए सुबह से रामलला के दर्शन के लिए इंतजार कर रही थी। टीवी पर श्री राम के दर्शन पाकर भावुक हो गई और हाथ जोड़कर भगवान राम को प्रणाम की। और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, वो आंखों में आंसू लिए रामलला से बहुत सारी बातें करने लगी। भक्ति का वो आलम है आज पूरे देश में कि देखिए, हमारी माता जी हैं आज सुबह से जो है एकदम नैन अस्तुत्पूरित जो है, इनके आस्था इनके ऊपर से दिख रही है। और हमें सुबह से ये टीवी छोड़ के आज उठने का नाम नहीं ले रही हैं, एकदम भाव विभोर हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। दिखती हुई तस्वीर है माता जी सुबह से जो है आज टीवी के सामने बैठी हुई हैं और पूरा देश जो है आज जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के जो है प्राण प्रतिष्ठा प्रांत जो है जो चल रहा है सुबह से कार्यक्रम जाने का इंतजार था माता जी को। जी बिल्कुल, माता जी को बरसों से इंतजार था, लेकिन आज इनकी मनोवांछाएं पूर्ण हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कृतकर्मों से जो है आज भगवान श्री राम लला का जो है वहाँ पर प्रतिष्ठा हुआ है। और आज पूरा देशवासी भाव विभोर है, माताओं के आंखों से इस खुशी की लहर में जो है आंसू पूरित हो रहे हैं और एक जबरदस्त उल्लास का माहौल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इस पावन मौके का साक्षी बनने के लिए पीएम मोदी समेत देश दुनिया से हजारों वीआईपी और श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। और जिनको साक्षात अयोध्या पहुंचने का मौका नहीं मिला, वो टीवी पर इस दृश्य और पावन अवसर का साक्षी बने।